क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और नीदरलैंड्स के बीच खेला गया मुकाबला पूरी तरह से एक तरफा रहा। टीम इंडिया ने नीदरलैंड्स को कुचल दिया। पहले 400 रन बनाए और फिर बॉलिंग में नीदरलैंड्स को ढेर कर दिया। अब इस मैच में सबसे खास रहा भारत का 9 गेंदबाजों का इस्तेमाल करना। जी हां, 5 मेन बॉलर्स के अलावा 4 पार्ट टाइम बॉलर्स ने भी गेंदबाजी की, जिसमें विराट शामिल थे, रोहित शर्मा शामिल थे, गिल और सूर्या भी थे। विराट और रोहित को तो विकेट भी मिला। और यही नहीं, मैच के बाद जब विराट कोहली रोहित शर्मा मैदान में ही मिले तो कुछ ऐसे मिले कि बहुत कुछ हो गया। विराट ने हंसते हंसते रोहित से ये तक कह दिया कि भाई मेरा वाला विकेट ज्यादा बढ़िया था। और खुद कप्तान रोहित शर्मा ने मैच के बाद ये सब कुछ बताया। तो दिखाते हैं क्या हुआ मैच के बाद मैदान में, क्या कहा विराट ने, कैसे आगे बढ़ी कहानी, सब कुछ बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो बेंगलुरु में खेले गए मुकाबले में भारत ने नीदरलैंड्स को कुचल दिया। हालांकि ये जीत पहले से तय थी, बैटिंग में धुआंधार खेल दिखा तो बॉलिंग और ज्यादा कमाल की हुई, क्योंकि यहाँ कई ऐसे खिलाड़ी बॉलिंग करने आए जिनकी डिमांड पब्लिक कर रही थी। कोहली को बॉलिंग दो, रोहित तुम बॉलिंग करो जैसे नारे स्टैंड से लग रहे थे। विराट कोहली ने 3 ओवर बॉलिंग की, 1 विकेट लिया और सिर्फ 13 रन दिए। तो वहीं रोहित शर्मा ने भी 1 विकेट लिया और आखिर में बॉलिंग करने आया और उसके बाद खूब जश्न मनाया गया। अब असली मजा इसके बाद आया, क्योंकि रोहित शर्मा का ओवर आखिरी साबित हुआ और इससे पहले ही विराट कोहली मैदान से बाहर जा चुके थे आराम करने के लिए। और जब भारत की जीत हुई तो बाकी के सारे खिलाड़ी मैदान में एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे और ड्रेसिंग रूम से भी बाकी खिलाड़ी और सपोर्ट स्टाफ बाहर आया। अब इसी दौरान रोहित शर्मा बाकी लोगों से हाथ मिला रहे थे तो विराट कोहली भी बाकियों से मिल रहे थे। और दोनों जब आमने सामने आ रहे थे तो रोहित शर्मा फील्ड में थे और विराट ड्रेसिंग रूम से आ रहे थे। फिर वो मौका फाइनली आ ही गया जब दोनों मैदान में मिले। विराट कोहली यहाँ पर थोड़ा सा दूर थे, रोहित शर्मा ने दूर से ही विराट को इशारा किया और विराट पास आ गए। अब दोनों हाई फाइव करते हुए यहाँ पर हाथ मिलाने लगे और फिर जो हुआ वो कमाल था। रोहित शर्मा के पास आकर विराट ने कुछ कहा और हंसने लगे, फिर रोहित भी मुस्कुराए और आगे बढ़ गए, जबकि विराट कोहली भी हंसते हुए आगे बढ़ गए। अब यहाँ पर विराट ने बहुत कुछ कहा था और यही बात रोहित ने मैच के बाद भी बताई। जी हाँ, रोहित ने मैच के बाद बताया कि विराट कोहली कहने लगे थे कि रोहित मेरा विकेट तेरे से ज्यादा बढ़िया वाला था। रोहित ने बताया कि विराट कोहली हमेशा मस्ती के मूड में रहता है, वो मस्ती खोर है, मस्ती करता रहता है। विराट के अंदाज से भी लग रहा था कि वो रोहित से कुछ मस्ती ही कर रहे हैं और उसी मस्ती के बीच में रोहित से कह दिया कि मेरा वाला विकेट ज्यादा बढ़िया था और रोहित भी मुस्कुराकर आगे चल दिए। अब ऐसे मैदान में दोनों की बॉन्डिंग जबरदस्त थी। जब विराट कोहली ने विकेट लिया तो वहां पर भी रोहित ने खास तौर पर बधाई दी थी और विराट के साथ मस्ती की थी। और इतने नहीं, पार्ट टाइमर्स बाकी बॉलर्स को रोहित ने 2-2 ओवर की बॉलिंग दी, लेकिन विराट कोहली से 3 ओवर की बॉलिंग कराई। और फिर जब आखिर में रोहित शर्मा खुद बॉलिंग करने आए तो सबसे ज्यादा खुश विराट कोहली नजर आए और दोनों ने विकेट लिया तो एक दूसरे के लिए दोनों खास से खुश भी थे। तो कुल मिलाकर मैच शानदार था, मगर उससे भी शानदार ये पल था, ये मौका था जब विराट कोहली रोहित शर्मा मिले, खूब मस्ती हुई और दोनों की बॉन्डिंग साफ साफ नजर आई, मैदान में नजर आई। अब यही बॉन्डिंग भारत को इस बार वर्ल्ड कप का खिताब भी जिताएगी, क्योंकि टीम न सिर्फ जबरदस्त खेल रही है बल्कि टीम के अंदर माहौल भी जबरदस्त है। और यही माहौल टीम इंडिया का शानदार आगे भी रहा तो भारत का वर्ल्ड कप जीतना था। तो आप क्या मानते हैं, रोहित और विराट की ये दोस्ती वर्ल्ड कप जीतने के लिए कितनी जरूरी है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।